सबसे पहले तो 500 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, ईच एंड एवरी वन वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिलहाल तो मैं रिजॉर्ट पहुंच चुका हूं, लेकिन वीडियो की शुरुआत घर से होती है, तो आप लोग वहां जाके आओ। तो ये एक दिन पहले का वीडियो है और यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा हो गया है, बादल वगैरह आ गए। हमारे घर में सारे पैरट्स आके खाना खाने लगते हैं। जब भी वेदर क्लाउडी होता है तो इनको लगता है शाम हो गई और ये आ जाते हैं। ये नीचे हम लोगों ने राइस डाला हुआ है और रोज़ शाम में आते हैं। फ्री बर्ड शो। दिस इज़ द नेक्स्ट डे 25th November। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा नेशनल डे सेलिब्रेशंस का, और ओमान में उस दिन छुट्टी नहीं दी जाती 18 November को, लेकिन वीकेंड को कंबाइन करके दिए जाते हैं। तो हम लोग वन नाइट के लिए रिजॉर्ट जा रहे हैं, तो ये व्लॉग उसी के बारे में रहेगा। रिजॉर्ट का नाम है अल नाहदा रिजॉर्ट। मैं और मेरे मॉम डैड जा रहे हैं इस ट्रिप के लिए। अभी फिलहाल बस पैकिंग चल रही है, तो मैं आपको पैकिंग करके मिलता हूँ। रास्ते में लंच पिक करने के लिए बोलेवर्ड मॉल गए थे। नया मॉल है, मैं भी पहली बार गया था और बहुत ही खूबसूरत मॉल है। तो ये है रिजॉर्ट का एंट्रेंस, एंट्रेंस वाला एरिया। तो रिजॉर्ट में चेक इन के टाइम रिसेप्शन पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान था। हालांकि बहुत सारे लोग थे जो एक साथ चेक इन कर रहे थे, लेकिन फिर भी सबको डिस्टेंस मेंटेन करने बोला गया था। रूम हमने जब ली तो हमें दो सैनिटाइजर्स भी दिए। या अल्फा, मेरे मॉम डैड उसमें है, मैं पीछे साइकिल पे फॉलो कर रहा हूँ। सामान लाने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो लोग जब भी रिजॉर्ट में रुकने आते हैं, एक दिन के लिए हो या उससे ज़्यादा, वो रिजॉर्ट में ही रहते हैं, मतलब बाहर घूमने नहीं जाते। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि रिजॉर्ट में एक्टिविटीज़ बहुत हो करने के लिए, ताकि आपका टाइम पास हो जाए। तो उस हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो ये रिजॉर्ट जो है ये मस्कत सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीकी है। चेक इन टाइम यहाँ का 2:30 था और पूरे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कंप्लीट करने तक बहुत लेट हो गई। अब मैं लंच करके बाहर आया हूँ बस रिजॉर्ट देखने के लिए, और उसका वीडियो भी लूँगा। यहाँ घूमने फिरने के लिए साइकिल देते हैं, साइकिल से आप यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल वही यूज़ कर रहा हूँ।
यहाँ पर स्पा भी है लेकिन कोविड की वजह से सब बंद है, यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर एक लंबा सा पाथवे है जहाँ पर आप साइकिल चला सकते हो, मेरे पीछे देखो। तो अभी सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हम लोग किस में रह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फ्लैट्स भी है, छोटे विलास भी अवेलेबल है। हम लोगों ने एक छोटा विला लिया हुआ है, ये जो पीछे दिख रहा है ये रहा उसका एंट्रेंस। तो ये एक हमारा छोटा सा विला और ये गार्डन एरिया भी है हमारे लिए और वो वहाँ पर बालकनी। एक्चुअली ये रिजॉर्ट का एरिया बहुत बड़ा है तो आपको साइकिल की ज़रूरत पड़ती ही है, वॉकिंग भी कर सकते हैं लेकिन जल्दी थक जाओगे। मेरे अब्बू साइकिल लेके गए थे, अभी आ रहे। यहाँ पर ये अलग अलग स्पॉट्स है जहाँ पर आप बैठ के रिजॉर्ट का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक है, दिखाता हूँ आपको। ये रिजॉर्ट देख के ऐसा लगता है बड़ा सा पार्क है जहाँ पर आप एक रात के लिए रुकने वाले हो। बट एक बात अच्छी है कि जो सिटी की लाइफ है उससे दूर रहते हो आप, कंप्लीट ग्रीनरी टोटली अलग लगता है। तो इस वीडियो में मैं इस रिजॉर्ट का रिव्यू दूंगा आप सब लोगों को और देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। क्योंकि मेन बात क्या है, कोविड की वजह से आजकल लोग होटल्स और रिजॉर्ट में रहने के लिए काफ़ी डरते हैं, तो उस हिसाब से मैं देखना चाहता हूं कि क्या रिजॉर्ट में रहना कोविड के बाद से एक्चुअली सेफ है या नहीं। तो फिलहाल अभी शाम का टाइम है, सनसेट हो रहा है और हम लोग बस रिजॉर्ट में घूम रहे, देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे पीछे ये जो जगह है, यहाँ पर अगर आपको वेडिंग या कोई भी ऑफिस के इवेंट्स होस्ट करना है तो ये काफ़ी बड़ी जगह है। तो मेरे पीछे ये पूरा डाइनिंग का एरिया है, अभी डिनर का टाइम होने वाला है तो पूरा सजा के रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप लाइटिंग। अभी सनसेट हो गया है और हम लोग रूम को जा रहे हैं और यहाँ पर सारे बर्ड्स की आवाज़ सुनो। बैक टू द रूम नाउ। मैंने आपको अभी तक रूम नहीं दिखाया तो अभी दिखाऊंगा। ये रहा हॉल, थोड़ा बहुत गंदा है अभी, हमारा सामान रखा हुआ है, टीवी पेंटिंग्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये हमारे रूम के अंदर का पार्ट है, यहाँ पर एक एरिया है आप टी कॉफ़ी वगैरह बना सकते हो। और दो रूम्स है इसके अंदर, ये पहली रूम, यहाँ पर वॉशरूम है, वॉशरूम ठीक ठाक है, उतना खास नहीं है, रूम बहुत ही खूबसूरत है। तो इस विला के अंदर दो रूम्स हैं और दो वॉशरूम्स हैं, तो अगर आप चार लोग या ऐसा अलग अलग फैमिलीज आ रहे हो तो आप एक विला बुक कर सकते हो। ये रहा एक रूम और अभी दूसरा रूम दिखाता हूँ, ये और एक वॉशरूम है और ये दूसरा रूम। में जो बेड है ये सिंगल सिंगल है, इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो अगर आप दोस्त वगैरह आने वाले हो तो आप सेपरेट बेड पर सो सकते हो। हर रूम में कोई ना कोई पेंटिंग लगाए गए हैं जो एंशिएंट ओमान को दिखाता है, टीवी कबर्ड, एक टेबल आपको काम करने के लिए, मिरर। डिनर के लिए अभी एक घंटा बाकी है तो मैं तब तक जिम जाके आता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ जिम कैसा है। जा रहा हूँ तो यहाँ पर सिर्फ ये छोटे लैम्प पोस्ट है और ये काफ़ी ऐसा हॉन्टेड जैसा दिख रहा है। कोई भी नहीं है, सब अपने अपने रूम्स में गए हुए हैं। ये रिजॉर्ट का जिम है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और मेरे से वह कोई भी नहीं है, यहाँ पर मेरी आवाज़ गूंज रही है। नहीं, मैंने हर इक्विपमेंट यूज़ नहीं किया, वो तो बस वीडियो के लिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वीडियो के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं एक घंटा प्रॉपर वर्कआउट करता हूँ लेकिन अब ऑब्वियसली एक घंटे का तो नहीं दिखा सकता, इसलिए उसको कट करके थोड़े सेकंड्स का। कब से डंबल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को मिल रहा ही नहीं, सब इतने बड़े बड़े 50-60 kg, पता नहीं कितने कितने, लगता है मेरी तरह कोई आता नहीं यहाँ पर। जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं वो बहुत दिन के बाद जब जिम वापस आते हैं तो अपने जूनियर्स को देख के बोलते हैं कि एक ज़माना था हम भी 50-60 kg उठाते थे। मैं कभी 50-60 नहीं उठाया, हमारा सिंपल ही है, थोड़े बहुत में ही हो जाता है।
वर्कआउट डन, हैड अ गुड शावर आफ्टर द जिम, नाउ गोइंग फॉर डिनर. तो अभी जस्ट हमारा डिनर ख़त्म हो गया. खाना जो है हम लोगों ने होटल में ही खाया, वो पैकेज में इंक्लूडेड है. और खाने के बारे में अगर बताऊँ तो द फूड वॉज डिलीशियस. आउट ऑफ 5 अगर खाने को रेटिंग देना है तो फुल मार्क्स फॉर दैट. काफ़ी थक गया हूँ, अब सो जाता हूँ. सुबह उठूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा और यहाँ पर खेलने के लिए टेबल टेनिस, टेनिस और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या एक्टिविटीज़ है करने के लिए. सी यू टुमारो. गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो मैं अभी जस्ट उठा और हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने जाने वाले हैं. ब्रेकफास्ट करने के बाद स्विमिंग पूल दिखाता हूँ, कल दिखाया नहीं आपको. दिस इज द डाइनिंग एरिया. इतना ग्रीनरी यहाँ पर देखा है ना, ऐसा लग रहा है इंडिया में आ गए. तो अभी 12 बजे हम लोग यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं. तो रूम का अगर रिव्यू दूँ तो मेरा एक्सपीरियंस ओके था, नॉट सो ग्रेट. अगर रेटिंग देना है आउट ऑफ 5 तो रूम को मैं दूंगा 2.8. ओवरऑल अगर रिजॉर्ट का या ग्रीनरी बाहर का जो जो भी है इसको मैं दूंगा 3.8. सो दिस इज द पूल साइड. मैंने खुद तो स्विम नहीं किया लेकिन पानी दिखने में तो अच्छा दिख रहा है और बच्चे भी स्विम कर रहे हैं तो उतना डीप भी नहीं है. और ये एरिया मुझे अच्छा लगा, यहाँ पानी नीचे गिर रहा है और यहाँ पर ये शावर रूम्स है. तो ओवरऑल अगर रिजॉर्ट का फीडबैक दूं तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, उनको थरोली एंजॉय करने मिलेगा क्योंकि यहाँ पर स्विंग्स, उनके खेलने के लिए बड़ा ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं. यहाँ पर बेस्ट चीज़ है कि अलग अलग जो भी ये विलाज हैं उनके बीच में ऐसा एक पाथवे है जो कि बहुत अच्छा लगता है और पूरा ग्रीन है. आप एक बार अपने रूम से बाहर निकल जाओ तो आप कहीं भी ठहर के फ़ोटो निकाल सकते हो. हर जगह कोई कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव बनाया गया है. ये कंप्लीट प्रॉपर्टी जो है ये टोटली 30 एकर्स के लैंड में बनाया गया है. यहाँ पर एक बड़ा सा टेनिस कोर्ट भी है. एमजी रोड वन एंड हाफ चाहिए तो बैठो. नो. कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, इज इट सेफ टू स्टे इन रिजॉर्ट्स एंड होटल्स कंसिडरिंग कोविड? तो उसके लिए मेरा जवाब है कि येस, इट इज़ सेफ टू स्टे है, प्रोवाइडेड आप सारे सेफ्टी मेजर्स लो. रूम में एंटर करने से पहले मेक श्योर करो कि रूम कम्प्लीटली सैनिटाइज्ड है. और कई होटल्स में आप जब चेक इन करते हैं तो आपको सैनिटाइजर्स देते हैं, तो अगर उन्होंने नहीं दिया तो मेक श्योर करो कि आप उनको पूछ के ले लो. मैंने कई सारी जगह मास्क नहीं पहना जब रिजॉर्ट में था क्योंकि मैं ब्लॉग करने के लिए एक सेपरेट ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पर कोई ना हो. तो उम्मीद है आपको ये रिव्यू वाला व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा और मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस देता रहूँगा हर हफ्ते. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.